हाय, दिस इज़ मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के सेशन में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। ये निफ्टी का आपको डेली चार्ट दिख रहा होगा और यहाँ पर मैंने एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया था इंट्राडे में, बट क्लोजिंग इसके ऊपर दिया है। क्लोजिंग जो है वो 14,700 के ऊपर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, काफ़ी अच्छा क्लोजिंग है। अगर आप ध्यान से देखो तो फ्राइडे का जो डे लो था उससे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट रिकवरी हमें देखने मिली है। सेकेंड हाफ में हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने मिला और मुझे लगता है वो बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है कल के सेशन में भी फर्स्ट हाफ में, और यहाँ से हमें 14,850 14,900 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। बट मेजर रेजिस्टेंस जो है वो अभी भी 15,000 है। अगर एक बार 15,000 क्रॉस कर लेता है, उसके ऊपर डेली चार्ट पे क्लोजिंग दे देता है, तो एक बहुत बड़ा अपमूव हमें देखने मिल सकता है। फिर 15,300 15,400 तक के लेवल्स भी हमें इजीली देखने मिल सकते हैं। तो आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी इंट्राडे डिप मिलता है तो काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम लोग बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम लोग अवॉइड करेंगे, और अगर कोई बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। बट अगर आपको डेली चार्ट पे दिख रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेयर ट्रैप जैसा सीन लग रहा है। बेयर ट्रैप का मतलब सेलर्स का पोजीशन मुझे लगता है थोड़ा बहुत ट्रैप हुआ है फ्राइडे को, इसीलिए कल के सेशन में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया है, और यहाँ पर बॉटम में इसने बुलिश चार्ट पैटर्न बनाया है और ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया है। तो ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है और मुझे लगता है 14,800 14,850 तक के लेवल्स हमें इजीली देखने मिल सकते हैं। 14,850 के ऊपर कैसे ट्रेड करता है निफ्टी, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 15,000 के आसपास है। अगर वो क्रॉस कर लेता है तो एक बड़ा अपमूव हमें देखने मिल सकता है। 52 वीक हाई हमें देखने मिल सकता है। 15,400 15,600 तक भी निफ्टी जा सकता है। तो इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है तो आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका व्यू बुलिश होना चाहिए। और अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का नॉलेज है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बुलिश ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो निफ्टी में फॉर अ टारगेट ऑफ 15,300 15,400। पोजिशनल आप बुलिश स्ट्रैटेजी एक प्लान कर सकते हो ऑप्शन में, अगर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का नॉलेज है तो। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 15,035, क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे शॉर्ट ट्रेडर्स के, सेल पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर ऑफ हो सकती है, और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 15,000 के ऊपर एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने मिल सकता है। 300-400 पॉइंट की रैली हमें निफ्टी में देखने मिल सकती है। अगर 15,000 के लेवल के ऊपर क्लोज देता है, 15,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो एक वन साइडेड बड़ा अपमूव हमें देखने मिल सकता है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी अभी भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 33,000 के आसपास। काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है 33,000 का जो एरिया है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को कंपेयर करें निफ्टी से तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक है कंपेयर टू निफ्टी, लेकिन अगर हमें निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने मिलती है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी फॉलो थ्रू बाइंग हमें देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट टारगेट पॉसिबल है वो 33,000 और 33,500 है। 33,500 काफ़ी क्रूशल लेवल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो क्रॉस कर लेता है 33,500 के ऊपर डेली चार्ट पे क्लोजिंग अगर आ जाता है तो एक बड़ा अपमूव हमें देखने मिल सकता है। फिर 34,000 और 35,000 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ये आप लेवल नोट डाउन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर भी अगर आप देखो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है 33,500 के ऊपर जाता है तो एक बड़ा अपमूव हमें देखने मिल सकता है। 1,000 से 1,500 पॉइंट की रैली हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, काफ़ी स्टीप ट्रेंड लाइन है। अगर 32,300 के ऊपर खुलता है बैंक निफ्टी, 200-300 पॉइंट गैप अप खुलता है बैंक निफ्टी, एक मेजर शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है फिर, और फिर 32,700 33,000 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। ओपन कहाँ पर हो रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो हम लोग बाइंग को अवॉइड करेंगे। थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ओपनिंग हो रहा है तो हम लोग बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप स्टॉप लॉस मत रखना बैंक निफ्टी में। पहला टारगेट हो सकता है इंट्राडे में 32,700, सेकंड टारगेट हो सकता है 33,000 तक। तो बैंक निफ्टी में भी आपका व्यू बुलिश होना चाहिए और आपको बाइंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है अगर 32,300 के ऊपर ओपन होता है तो।
कुछ भी लाइव मार्केट में लेवल्स में चेंजेस हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में आपको ऑप्शंस बाइंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, ऑप्शंस सेलिंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, इंट्राडे कैश लेवल ट्रेड्स भी मिलते हैं जिसमें आप इंट्राडे में 2 से 3 हज़ार रुपये कमा सकते हो। और अगर आपको सीखना है तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मोबाइल ऐप का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर कोर्सेज के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का पूरा डिटेल भी दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।